एक बार यहाँ से भाई खींच कर देखते हैं ये पहले गियर में कितने जाती है। ओ भाई पहले गियर में गई है 41, दूसरे में देखते हैं भाई। मुझे हीटअप वगैरह कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, इसकी बात कर लूँ तो भाई मुझे वाइब्रेशन उतना कुछ खास फील नहीं हुआ भाई। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई ये है होंडा एसपी 160 और आज भाई हम इसका लेने वाले हैं राइड रिव्यू। तो सबसे पहले भाई इसको करते हैं भाई इग्निशन ऑन। तो ये देख लो भाई, इसमें आपको मिलता है फुल TFT डिस्प्ले और साथ ही साथ ये भाई यहाँ पे ABS आप देख सकते हो, ये सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। बाकी यहाँ पे देखो आप न्यूटन गियर वगैरह सब कुछ भाई शो हो रहा है। तो फटाफट भाई इसका राइड रिव्यू करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ भाई क्यों 2024 में भाई आपको ये बाइक लेना चाहिए। अभी मैं राइड कर रहा हूँ भाई होंडा SP 160। तो सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं भाई इंजन की, इसमें आपको 4-स्ट्रोक ऐसा इंजन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही भाई इसका मैक्स पावर की बात कर लूँ तो इसमें आपको भाई 13.4 PS का मैक्स पावर आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं बात कर लूँ भाई मैक्स टॉर्क की तो इसमें आपको 14.5 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। अभी क्या है कि अभी मैं टॉप पेन तो नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ मैं भाई बाइक को भगाऊंगा और भगा कर देखता हूँ भाई ये कितना जाता है। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा खाली रोड पे चलते हैं और वहाँ पे भाई इसको बाइक को भगा कर देखते हैं भाई ये कितना जाता है। बात कर लूँ गियर्स की तो आप इसमें 5 गियर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अभी देखेंगे भाई पहले गियर पे ये कितनी जाती है। तो अभी भाई हमें मिला है थोड़ा सा भाई खाली, इसको करते हैं गियर डाउन, थोड़ा सा करते हैं बाइक को स्लो। एक बार यहाँ से भाई खींच कर देखते हैं ये पहले गियर में कितनी जाती है। ओ भाई पहले गियर में गई है 41, दूसरे में देखते हैं भाई। भाई दूसरे में 70, तीसरे में देखते हैं। भाई तीसरे के लिए तो रोड ही छोटा पड़ गया यार। भाई हालांकि पहले गियर पे भाई मुझे उम्मीद नहीं है, पहले गियर पे गई है 41, पहले गियर भाई लिटरली ये 41 चली गई। कमाल है भाई पहले गियर पे 41। तो एक बार भाई अभी चलते हैं भाई थोड़ी सी खाली रास्ते पर। बाकी अब मैं बात कर लेता हूँ भाई इसके वाइब्रेशन की। तो भाई इतना मैंने जब फुल RPM तक खींचा ना, उसके बाद भाई थोड़ा सा मुझे वाइब्रेशन हैंडल में फील हुआ है। इसकी बात कर लूँ तो भाई मुझे वाइब्रेशन उतना कुछ खास फील नहीं हुआ है भाई। और भाई इस बाइक में आपको एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलते हैं और इंजन भाई काफ़ी खुला खुला सा है, तो हीटिंग प्रॉब्लम इसमें तो आने वाली नहीं है। बाकी भाई अपन दोबारा से यहाँ से खींच के देखते हैं, पहले गियर पे 41, दूसरे पे देखते हैं, दूसरे पे भाई, दूसरे पे 70 69 70 69 70, यही है भाई दूसरे पे। और बाकी अभी ऐसा रोड नहीं है भाई, अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है कि मैं तीसरे और चौथे घिस सकूँ। बिकॉज भाई अभी हुआ क्या है कि मतलब ये कंपनी की बाइक है, ठीक है, नई बाइक है भाई, मतलब मैंने इस बस राइड रिव्यू के लिए लिया था। तो मुझे लगा 4-5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर में हो जाएगा भाई, कवर अप हो जाएगा। बट यकीन मानो मैं 4 किलोमीटर भाई डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और मुझे ज़रा सा भी पता भी नहीं चला कि मतलब 4-5 किलोमीटर आ गए। तो इसका सबसे पहले भाई वायर वगैरह हटाते हैं, उसके बाद भाई वायर वगैरह हटा कर फिर किसी दिन करेंगे भाई। अभी फिर से वापस जा रहे हैं कंपनी, बिकॉज 4 इधर हो गए भाई, 4 उसे 8-9 हो जाएंगे भाई, 9-10 समझो हो जाएंगे। तो बस इसमें भाई मैं ज़्यादा चला नहीं सकता। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ भाई जितना मैंने राइड किया, बिकॉज मैं जितना राइड किया हूँ भाई हाइपर राइड किया हूँ। मतलब बात बताओ यार, नए गाड़ी को कौन ऐसे चेक करता है यार, मतलब हर गियर का लिमिटर आपको कौन ही चेक कर बताएगा। मैंने बताया भाई तो इस बात पे एक लाइक बनता है भाई। वो वाइब्रेशन इस इंजन में भाई बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मुझे हीटअप वगैरह कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। बाकी आगे चलेंगे भाई उसके बाद, ये तो लॉन्ग टर्म में हीटअप वगैरह, जो हीटअप का मैटर है भाई वो लॉन्ग टर्म में आपको महसूस होगा, ना कि 4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर में आपको पता चला। बात कर लेता हूँ इसका माइलेज की, तो ये बाइक आपको सिटी में माइलेज निकाल कर दे देता है भाई, 45 to 50 आपको सिटी में निकाल कर दे देगा। और अगर जब आप भाई इस बाइक को हाईवे पर चलाओगे तो ये आपको 60+ वहाँ पे माइलेज निकाल कर दे देगा भाई, बहुत जल्दी भाई, बहुत पावर इसका भाई 160 के मुकाबले भाई बहुत अच्छा है भाई, बहुत तगड़ा। मतलब भाई हम लोग 2 लोग बैठे हुए हैं ना तो ये पावर ये जनरेट कर दे रही है। मतलब अगर आप सिंगल हटा लो तो भाई आहा भाई इसका पावर जो है भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। तो पावर की मैं बात कर भाई, पावर में बार बार भाई एक ही पे मैं पावर पे ही आ जा रहा हूँ। बिकॉज भाई देखो बाइक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, वो होता है भाई इसका इंजन। और भाई जब इंजन बढ़िया हो तो भाई क्या ही कहना भाई, इंजन पे ही आपका बाकी। इसमें आपको मीटर देख लो भाई, मीटर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपको इसमें मीटर देखने को मिल जाता है भाई। मतलब यहाँ पे गियर वगैरह सब इंडिकेट कर रहा है। तो भाई ये 160 cc की बाइक है, ठीक है ना, इसी ये भाई एक स्पोर्ट बाइक नहीं है, ये नॉर्मल यूज़ के लिए, मतलब डेली लाइफ में अगर आप लंबे लंबे टूर करते हो ना भाई, मतलब नॉर्मल यूज़ में हो तो फिर ये बाइक आपको काम में आ सकता है भाई। नॉर्मली ये 160 cc की बाइक कोई स्पोर्ट कैटेगरी की बाइक नहीं मैं मानूंगा, बिकॉज
भाई, मतलब कि उस टाइप का पावर आपको ये जनरेट कर नहीं देगा भाई जो स्पोर्ट बाइक देती है। स्पोर्ट बाइक में अगर आप सोच के ले रहे हो भाई कि ये एक स्पोर्ट बाइक ले लेता हूँ, ठीक है, भले ये स्पोर्टी लुक दे दिया है बस स्पोर्ट बाइक नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट बाइक आप किसको मानोगे, एमटी मानोगे भाई, एनएस मानोगे, फिर आप मान लेते हो भाई आरोन मान लेते हो, आरोन फाइव मान लेते हो, ठीक है ना, मैं आरोन नहीं भाई बोला, मैं आरोन फाइव बोला हूँ, ठीक है, आरोन फाइव मान लेते हो, ठीक है। ये नॉर्मल यूज़ में आप इस बाइक को ले सकते हो भाई, मतलब जो बंदे भाई इससे डेली लंबे लंबे राइड करते हैं ना भाई, उनको बहुत ज़्यादा दूर तक जाना रहता है, तो भाई उनके लिए ये बाइक सूटेबल है, ठीक। तो भाई अब मैं बात कर लेता हूँ भाई सिटिंग पोस्चर की, तो भाई इसका सिटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है, मतलब आप कभी भी भाई मतलब ऐसा नहीं होगा भाई थोड़े दूर चलाकर भाई थक जाओगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल मैं बैठा हुआ भाई है। बात कर ले इसके हैंडल की, तो हैंडल भी भाई काफ़ी ऊँचा है, जिस वजह से आप स्ट्रेट होकर मतलब एकदम भाई बैठ सकते हो, जिससे होगा क्या कि ना ही आपके हाथों में पेन होगा, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स में आप होकर बैठ सकते हो भाई, हाथ में आपको पेन नहीं होने वाला, ना ही बैक में आपको पेन होने वाला है भाई। साथ ही साथ जो पिलियन आपके पीछे बैठेंगे भाई, वो भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली राइड को एंजॉय कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए मतलब ये बाइक ले रहे हो तो भाई ये बाइक सही है, लॉन्ग टर्म में ये सही चल जाएगी भाई। 160 सीसी है, पावर भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। कि मैं भाई एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भाई एसपी 160 और एनएस 160 दोनों को लेना चाहते हो तो दोनों का एक बार राइड रिव्यू जरूर कर देखना, आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा भाई आपको कौन सा बाइक परचेस करना है, बिकॉज भाई इसका मीटर कंसोल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें फुल आपको डिजिटल प्लस टीएफटी डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है भाई, ठीक है। तो आप एक बार दोनों बाइक का कंपेयर करना, पावर वगैरह दोनों का कंपेयर करना, मतलब पावर के बारे में बात कर लूँ भाई, पावर भाई एनएस 160 का बहुत ज़्यादा इनिशियल में, लेकिन भाई टॉप एंड में इसका पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि मैंने फर्स्ट सेकंड गियर का भाई टेस्ट किया है, ठीक है, थर्ड गियर में मतलब जा नहीं सकता था उतना भाई हमें, मतलब कि थर्ड गियर भाई वैसा रोड नहीं मिला, अगर वैसा रोड मिलता तो भाई थर्ड गियर का भी इसका टेस्ट हम कर देते हैं, वैसा यहाँ रोड था नहीं, मतलब ट्रैफिक वाले रोड है, आप देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। तो भाई इसको अभी से लेके चलते हैं भाई वहाँ पे गोदाम पे और इसको भाई पार्क कर देते हैं फटाफट। अगर 160 और 1 SP में अगर आप दोनों में से कोई एक बाइक लेना चाहते हो भाई, तो एक बार आप ना टेस्ट राइड लेकर देखो भाई, टेस्ट राइड लोगे आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा आपको कौन सा बाइक इसको परचेस करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ।